सुजानपुर भदोही से जनजागृत न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार एके फारूकी द्वारा कवरेज की गई रिपोर्ट। सीएम योगी बोले, माफिया पर कार्यवाही करने के लिए भी दम चाहिए। पहले की सरकारों में दम नहीं था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ। दंगाई बिलों के अंदर घुसे रहे। डबल इंजन की सरकार विकास के नए सोपान गढ़ रही है। उन्होंने कहा कि माफिया पर कार्यवाही के लिए दम चाहिए। पिछली सरकार में ये दम नहीं था। अब फैसला जनता को करना है कि दमदार सरकार चाहिए या दुमदार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को भदोही की औराई विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी दीनानाथ भास्कर और भदोही के मोड़ बाजार में सेवा सदन इंटरमीडिएट कॉलेज में प्रत्याशी रविन्द्र त्रिपाठी के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। भदोही के मोड़ बाजार स्थित सेवा सदन इंटर कॉलेज में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जो लोग सरकार की धमक के सामने चुपचाप बिलों के अंदर छुपे थे, चुनाव की घोषणा होते ही एक बार फिर वे बाहर निकलकर इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें जैसे ही अवसर मिलेगा दंगा अराजकता फैलाएंगे और बहू बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बनेंगे। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि होली और दिवाली पर हर परिवार को एक एक रसोई गैस मुफ्त मिलेगा। कोरोना काल में हमारी सरकार ने जरूरतमंदों को महीने में 2 बार राशन की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई। कोरोना काल में भाजपा सरकार ने सभी को वैक्सीन मुफ्त दी गई। हमारी सरकार में लोगों को दाल और राशन के साथ तेल भी कोटेदार से मिल रहा है। योगी ने कहा कि सपा के राज में गुंडों और अपराधियों को खुली छूट थी। बाइट उनके समय में विकास नहीं होते थे, दंगे होते थे, अराजकता फैलती थी, गुंडागर्दी फैलती थी, विकास की योजनाओं में डकैती पड़ती थी, गरीब को राशन नहीं मिलता था, गाँव को बिजली नहीं मिलती थी, हर व्यक्ति परेशान रहता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने अपने कार्यक्रमों को जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम किया है, आज वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए आज आपके सामने आ रहा हूं। जब मैं सपा के नेताओं से कहता हूं क्या विकास तुमने कराया है, तो भाइयों बहनों बहस करते हैं, कहते हमने विकास किया। मैंने कहा बताओ विकास क्या है तुम्हारा, तो कहते हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल कराई है। कहते उन्होंने केवल कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल कराई है, हमने हर धाम हर तीर्थ हर स्मारक महापुरुषों संतों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों इन सब के स्मारक और धामों को न केवल उनका पुनर्निर्माण पुनरुद्धार का कार्य किया है, बल्कि इसको एक नई पहचान भी दिलाने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।